हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सोयाबीन की सब्जी और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल में 250 ग्राम सोयाबीन लिए हैं। अभी यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई में पानी डाल दिया है, आधा लीटर, और पानी अच्छे से उबल चुका है। और उबलते हुए पानी में इन सोयाबीन को डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से चमचे से एक बार घुमा देंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इन्हें चला देंगे और सॉफ्ट होने तक इन्हें पकने देंगे। तो अभी यहाँ पर इन्हें पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक बर्तन के अंदर निकाल देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएं। तो सोयाबीन अच्छे से ठंडी हो चुके हैं। अभी इनका जितना हो सके ना उतना निचोड़ करके अच्छे से पानी निकालना है। तो पूरी सोयाबीन का पानी मैंने अच्छे से निचोड़ करके निकाल दिया है। अब गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और एक बड़ा चमचा तेल का डाल देंगे। आप जो भी खाते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और तेल गर्म हो चुका है और अब डाल देंगे जो हमने सोयाबीन को निचोड़ कर रखे हैं। तो सोयाबीन मैंने ढेर सारी डाल दी हैं और अब फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इनका पानी सूख जाएगा और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तब तक इन्हें इस तरह से घुमाते रहना है। अब यहाँ पर इनको चलाते हुए मुझे 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं। इनका पानी भी सूख गया है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है और ये सारी सोयाबीन इस बर्तन के अंदर डाल देंगे। और अब लिया है मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दही। अब कुछ मसाले डालेंगे, तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप जैसा भी तीखा खाते हैं वैसे डाल सकते हैं। और आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ छील करके इन्हें दरदरा सा कूट लिया है। और ये खेत का ताज़ा लहसुन है, थोड़ा सा हरा हरा भी है। लहसुन डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है। और अब यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा अदरक को ग्रेट करके लिया है। अगर आपके पास अदरक का पेस्ट है तो वो भी ले सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इन्हें 10 मिनट तक के लिए साइड में रख देंगे ताकि सारे मसाले सोयाबीन के अंदर तक घुल मिल जाएं। तब तक हम नेक्स्ट तैयारी करते हैं। अब गैस के ऊपर वही सेम कढ़ाई रख देंगे जिसमें हमने सोयाबीन का पानी सुखाया था और एक चमचा तेल का डाल देंगे। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और तेल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 3 प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाला है। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इनका सुनहरा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें पकने देंगे। तो अब यहाँ पर प्याज का अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है, ऐसा ही कलर चाहिए हमें। तो अब गैस ऑफ कर देंगे और प्याज को एक प्लेट में मैंने निकाल दिया है। अब अच्छे से इन्हें ठंडा होने देंगे। तो प्याज यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं और अब मिक्सी जार में डाल करके इनका पेस्ट बना लेंगे। तो प्याज का बारीक पेस्ट मैंने बना लिया है। अब गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और अब एक बड़े चम्मच सरसों के तेल का डाला है मैंने। आप जो भी खाते हैं डाल सकते हैं। गैस ऑन कर देंगे और तेल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डाल देंगे एक चम्मच साबुत जीरा और 2 तेज पत्ते डाल देंगे और 1 दालचीनी का टुक डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर है दालचीनी का तो वो भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार चला देंगे तो ये सभी चीज़ें पक चुके हैं। और अब डाल देंगे जो हमने प्याज का बारीक पेस्ट बनाया था। तो अभी यहाँ पर मैंने मिक्सी जार के अंदर आधा ग्लास पानी डाला है ताकि प्याज का पेस्ट अच्छे से साफ हो जाए। और अब डालेंगे जो हमने सोयाबीन के अंदर दही और सभी मसालों को मिक्स करके रखा था। तो सोयाबीन ने अच्छे से सभी मसालों को एब्जॉर्ब कर लिया है और आधा ग्लास पानी भी डाल देंगे। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और 4 से 5 मिनट तक के लिए इस सब्जी को पकने देंगे। तो अब यहाँ पर सब्जी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तेल ऊपर तैर कर आ गया है तो इसका मतलब सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को तवे के ऊपर सेक कर लिया है। सेक कर डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड तक के लिए इन्हें पकने देंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब गैस ऑफ कर देंगे। तो सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब धनिया पत्ता डाल देंगे।
तो धनिया पत्ता को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी हमारी तैयार हो गई है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो आप इस तरह से सब्जी घर में बना के देखिए, आप रेस्टोरेंट में ये खाना भूल जाएंगे, बहुत ही पसंद आएगी आपको ये। अगर आपको ये सोयाबीन की सब्जी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।